तेवा कबड्डी क्लब गांव गोरे में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पे लीग मैचेस हो रहे हैं और ये मैच ट्यावा वर्सेस गांगडोली, ट्यावा को एक और पॉइंट मिलता हुआ वर्सेस गांगडोली इसी स्क्वाड में है और उस साइड में ट्यावा की टीम है। और देखने वाली बात है कि जो लीग मैचेज है यहाँ पे कौन जीतने वाला है, क्योंकि कई सारी टीमें यहाँ पे आई हुई है और यहाँ पर एंकल होल्ड करके डैश कर दिया। और ये डैश करने की कोशिश मिड लाइन तक पहुंच गई, सपोर्ट नहीं आई टाइम से। ताकत और दिमाग, अभी ताकत का जो प्रदर्शन था वो दिखाया येलो जर्सी के खिलाड़ी ने और अल्टीमेटली मिड लाइन तक पहुंच गए वो। चावा की ओर से रेड और सुपर टैकल का मौका यहाँ पे गांगडोली के लिए। देखने वाली बात है कि क्या सुपर टैकल का मौका जो बन सकता है उसे बुनाएंगे। और ये एम्प्टी रेट अल्टीमेटली देवा कबड्डी क्लब गांव गोयला में देवा क्रूजी अगुवाई में, और ये अल्टीमेटली लास्ट मोमेंट पे परसूट करने की कोशिश और उसको अनसक्सेसफुल किया रनिंग हैंड टच करते हुए। ओ आसान सा पॉइंट, बहुत आसान सा पॉइंट, सरल पॉइंट। तीन खिलाड़ी यहाँ पे मौजूद थे गांगडोली की ओर से, लेकिन स्क्वाड अभी बढ़ गया है। प्रिंस चार नंबर की जर्सी में, और ये देखिए कितनी चुस्ती फुर्ती, विशिल का है, विशिल बजा दो। एक बार फिर से येलो जर्सी के खिलाड़ी आए हैं, पहली बार तो वो मिड लाइन तक पहुंच गए थे दिमाग का इस्तेमाल करके और ताकत का भी, लेकिन अब की बार देखना होगा। जी हाँ, गांगडोली और ट्यावा, ट्यावा की टीम वो वाली है जिसमें अभी रेड चल रही है, रेडर से 1.4 गांगडोली। शामली के खिलाड़ी तीन नंबर जर्सी में टावा की ओर से खेलते हुए, काफी मजेदार मैच चल रहा है, सभी दर्शक आराम से देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैच का जो रिजल्ट है वो किस फेवर में जाएगा, क्योंकि दोनों टीमें लगातार बढ़िया खेल रही है। और यहाँ पर फ्रॉग जंप लगा के मिड लाइन तक पहुँचने की जरूर कोशिश थी, बट टैकल के बाद में पकड़ लिए गए थे। काफ़ी मैचेज यहाँ पे होने हैं, जिसलिए जो टाइमिंग ऑफ मैचेज है वो रिड्यूस कर दी गई है, हर मैच 10 मिनट का होगा ताकि सारी टीमें खेल सके, जो ये लीग चल रही है उसका एक विजिबल रिजल्ट सबके सामने आ सके। जिसके चलते मैच की जो ड्यूरेशन है, टाइमिंग है, वो महज 10 मिनट है। अरे
बहुत शांति मैच चलता हुआ, दोनों टीमें नेक टू नेक परफॉर्मेंस कर रही है, बढ़िया खेल रही है और अल्टीमेटली मिस एंकल होल्ड जिसके चलते एक और पॉइंट यहां पर गांगडोली के लिए। ये एंकल होल्ड सामने से ब्लॉक और अल्टीमेटली एक और पॉइंट यहाँ पर टावा के लिए, बहुत बढ़िया टाइमली से सपोर्ट आया था जिसके चलते डैश कर दिए गए, अदरवाइज जो दूसरा डायमेंशन ऑफ द गेम है पावर का उसके इस्तेमाल से मिड लाइन तक पहुंच सकते थे रेडर। इसी बीच एक और एम्प्टी रेड, एक और एम्प्टी रेड, दोनों साइड से एक एक एम्प्टी रेड हो चुकी है। ये पहुंच गए टू पॉइंट्स, बहुत बेहतरीन, अपने आप को बैक किया लास्ट मोमेंट तक, ड्रैग किया मिड लाइन तक और जो मिड लाइन है उसको टच कर दिया, दो पॉइंट जो गए थे वो वापस आ गए हैं, दो खिलाड़ी वहां से भी बाहर जाएंगे कितने जल्दी, हाफ टाइम अब हो चुका है 11-10, टावा 11 गांगडोली 10, यानी कि जो मैच हम बात कर रहे हैं नेक टू नेक, कोई भी टीम हारने के लिए तैयार नहीं है और दूसरी टीम को आगे जाने नहीं दे रही है, बिल्कुल नेक टू नेक परफॉर्मेंस, दोनों टीमें एक साथ चल रही है, टावा 11 गांगडोली 10। विसल के बाद में दोबारा से मैच रिज्यूम होता हुआ है। ओ डुबकी लगाई लेकिन अल्टीमेटली पहुंच नहीं पाए, रेडर आउट 1.4 गांगडोली, गांगडोली के भी 11 हो चुके हैं अभी हाफ टाइम के बाद में। ओ रेडर से एक और पॉइंट यहाँ पे, गांगडोली लीड में, पहली बार लीड में गांगडोली, 12-11 टावा 11 गांगडोली 12। देखिए आसान से कितने पॉइंट्स, दो पॉइंट यहाँ पे टावा के लिए और दोबारा से जो लीड थी वो फिर से टावा के पास आती हुई। ओ क्या की ओर से जो गुरुजी है वो बच्चों को हिदायत दे रहे हैं, जैसे कोचेज कॉर्नर, लेकिन यहाँ पे गुरुजी बच्चों को टिप्स दे रहे हैं। टिप्स एंड ट्रिक्स मैच के बीच में जो टाइम आउट ले जाता है वो इसीलिए दिया जाता है ताकि जो अपनी स्ट्रेटजी है उसमें जरूरी फेरबदल करके मैच को दूसरे अंदाज से खेल कर अग्रेसिव थोड़ा अपने आप को बना के मैच जो लीड है उसको मेंटेन तो कर सके, अगर लीड ट्रेलिंग हो रही है तो उसको आगे पहुंच सके। देखिए दोनों टीमें बिल्कुल बढ़िया खेल रही है, बोनस पॉइंट मिलता हो यहाँ पर टावा को। काफी मेहनत मशक्कत के बाद में जो लीग है इसका आयोजन यहाँ पर गांव गोयला देवा कबड्डी क्लब पे हुआ है और देवा कबड्डी क्लब पे जो बंदोबस्त है जो तैयारियां है वो बिल्कुल बढ़िया है।